हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम मुकुंद माला श्लोक श्री प्रभुपाद के द्वारा जो रचित है और राजा कुलशेखर की प्रेयर्स, श्री प्रभुपाद ने जिसको अनुवाद करके बताया है तात्पर्य को, उसको हम पढ़ रहे हैं। और इसका आज हम लास्ट श्लोक पढ़ेंगे राजा कुलशेखर का। तो आई होप आप लोगों को राजा कुलशेखर की प्रार्थनाएं जो है वो वैष्णव संप्रदाय के समान जो सिद्धांत है उनसे मेल खाती हुई दिखाई दे रही है कि कैसे उन्होंने कृष्ण को गोपियों को सर्वोत्तम बताया, भगवान के नाम का आश्रय लेने को बताया और बताया कि भगवान के नाम गुण लीला धाम आदि को छोड़कर और किसी भी चीज का आश्रय नहीं लेना चाहिए और तनिक भी इससे विचलित नहीं होना चाहिए कि ये ऐसा नहीं हो सकता। भगवान के अलावा, कृष्ण के अलावा और कोई आश्रय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने कहा कि मेरा मन जो है वो क्या कर रहा है, वो अभी इस समय आपके चरण में लगा हुआ है भगवान, इसलिए अभी ही मेरी मृत्यु हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मृत्यु के समय मुझे आपकी याद बनी रहेगी। तो इस तरह से राजा कुलशेखर बहुत ही सुंदर श्लोकों में भगवान की वंदना करते। तो आज हम अंतिम श्लोक पढ़ रहे हैं और वो है श्रुति फल, कि इस मुकुंदमाला ग्रंथ को पढ़ने से क्या लाभ होता है। मुकुंद माला पठताम नराणाम अशेष सौख्यम लभते न कह स्वित, समस्त पाप क्षय में देही प्रयाति विष्णु परम 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 पदम ततः। इस मुकुंद माला का पाठ करने वालों में ऐसा कौन है जिसे पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होगा। जो भी देहधारी जीव इन स्थितियों का उच्चारण करते हैं उसके सारे पाप फल समूल नष्ट हो जाते हैं और वो सीधे भगवान विष्णु के परम धाम को जाता है। तात्पर्य आप पढ़िए अदिति बादी जी। शास्त्रीय परंपरा का पालन करते हुए राजा कुलशेखर इस काव्य का समापन अपने पाठकों को शुभ आशीर्वाद देने के साथ करते हैं। हमें श्रीमद् भागवतम भागवत में ऐसे अनेक आशीर्वाद मिलते हैं। उदाहरण सातवीं स्कंद में यह कथन है जो प्रहलाद महाराज के कार्यकलापों, हिरण्यकश्यपु के वध तथा भगवान नरसिंह देव के कार्यकलापों से संबंधित इस कथा को ध्यान से सुनता है वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक जगत में पहुंचता है जहाँ कोई उद्वेग नहीं होता है। भागवतम में पाठक को इस वैष्णव कवि का आशीर्वाद कोरी साहित्यिक शैली का भोतक नहीं है। श्रीमद् भागवत या मुकुंद माला स्रोत किसी भी श्रोता को पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करने वाले और उसे भगवत धाम वापस भेजने वाले पाठक को केवल उन उच्च विचार पर विचार करना होगा जिसकी राजा कुलशेखर ने इस काव्य को व्याख्या की है। उदाहरणार्थ उन्हें प्राय उल्लेख किया गया है कि भगवान के पवित्र नाम हमें संसार से बचा सकते हैं और उन्हें हमें रक्षा हेतु भगवान के नामों को पुकारने का उपदेश दिया है। निसंदेह यह मुकुंदमाला स्त्रोत नाम का जप करने के जप करने उनके समक्ष नतमस्तक होने और अपनी समस्त इंद्रियों तथा मन से उनकी सेवा करने के मैत्रीपूर्ण उपदेश से ओतप्रोत है। राजा कुलशेखर ने हमें कृष्ण के दास के दास के दासों के दास दास के दास का दास बनने की सलाह दी है। वस्तुतः ये सारे कथन प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा शास्त्रों की ओर से आदेश है कि राजा कुलशेखर ने अपनी वाणी में और अपने निजी दृढ़ विश्वास के साथ दोहराया, किंतु उनकी प्रार्थनाओं के पीछे परमेश्वर की सत्ता का आधार है। थैंक यू। आनंद प्रदा पढ़ लीजिए। श्री श्रीमद् भक्ति प्रजान स्वामी प्रभुपाद ने इन सक्षम श्लोकों का राजा कुलशेखर की प्रार्थना नाम से अनुवाद करने के लिए चुना। उन्होंने इनका अंग्रेजी अनुवाद अपनी पत्रिका बैक टू गॉडहेड के माध्यम से व्यापक वितरण हेतु करना शुरू किया था। यह हमारा सौभाग्य होगा कि हम इन श्लोकों को निष्ठा भाव से सुनते रहें, बारंबार उनका गायन करें और उनका अध्ययन करें तथा उनका स्मरण करें। श्रील प्रभुपाद के अनुयायियों के रूप में हम श्लोक 33 को विशेष रूप से स्मरण करना चाहेंगे।
कृष्ण त्वदीय पद पंकज जप भरांतम कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वयम विशतु मानस राज हंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। हे भगवान कृष्ण, इस समय मेरे मन रूपी राजहंस को अपने चरण कमल के तंतुओं में, तंतुओं के जाल में प्रवेश करने दें। मृत्यु के समय जब मेरा गला कफ वात तथा पित्त से अवरुद्ध हो जाएगा, तब मेरे लिए आपका स्मरण कर पाना कैसे संभव हो सकेगा। हरे कृष्णा। ओ मुकुंद मालाम पठताम नराणाम अशेष सौख्यम लभते न कह स्वित समस्त पाप शयम एतेव देही प्रयाति विष्णु परम पदम ततः। पापों का नाश करके हमें भगवत धाम वापस ले जा सकता है ये श्लोक। तो इन श्लोकों को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, और यही हमारी शास्त्रीय परंपरा है। तो राजा कुलशेखर भी एक वैष्णव है और उन्होंने वैष्णव धर्म को एस्टैब्लिश किया है और हमें बताया है कि हमें किस तरह से भगवान के ही नाम का आश्रय लेने से इस भव सागर से हम छूट सकते हैं। और हमें बताया है कि हमें भगवान के दास के दास के दास के अनुदास के रूप में अपना अस्तित्व को पहचानना चाहिए। यानी अगर कोई अच्छे वैष्णव मिले हैं तो उनके दासों का दास बनना चाहिए, जैसे कि हम उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हम अपना जीवन का कल्याण कर सकते हैं। कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, लेकिन ये रियलाइजेशन इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक उत्कृष्ट जो हमारे जो परंपरा में कोई गुरु है उनकी शरणागत, उनकी कृपा की आवश्यकता है। हमारे शास्त्र में बताया गया है कि मंत्र है या कोई शास्त्र स्टडी है या कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं, अगर वो किसी ऑथराइज्ड गुरु के द्वारा नहीं दिया गया है तो वो फलित नहीं होता है। क्या बोला कि अगर कोई जो परंपरा में गुरु है उनके द्वारा आपने वो मंत्र नहीं लिया है, उन कथाओं को नहीं सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो उसका जो ये श्रुति फल है वो आपको नहीं मिलने वाला है। और श्रीमद् भागवतम में देखिए, आप कोई भी ग्रंथ उठा के देखिए, सबका श्रुति फल है ना, ये पढ़ने से ये होगा, ये पढ़ने से ये होगा, है ना। इवन जो श्री प्रभुपाद ने, अगर आप देखिए डेली मॉर्निंग प्रोग्राम्स दिए हैं, उसमें जो आरती दी है उसमें भी बताया गया, इसको पढ़ने से ये होता है, इसको पढ़ने से ये होता है, तुलसी आरती गाने से ये होता है, गौरा आरती गाने से ये होता है। वो हमें प्राप्त नहीं होगा जब तक हम किसी परंपरागत गुरु की शरण ग्रहण नहीं करते, जब तक हम दीक्षा नहीं लेते। तो जो व्यक्ति दीक्षित है, जो व्यक्ति परंपरा में है, जब वो प्रचार करते हैं और वो किसी ऐसे व्यक्ति को जब वो ज्ञान या इंस्ट्रक्शन प्रदान करते हैं और वो व्यक्ति निर्भय भाव से उनको ग्रहण करता है, उनको बिना किसी ईर्ष्या के ग्रहण करता है, तो वो भी ऑथेंटिक हो जाता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे राजा कुलशेखर हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कि जो भी इन श्लोकों को पढ़ेगा वो समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा और सीधे भगवत धाम जाएगा। लेकिन यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि वो वैष्णव अपराध से मुक्त हो जाएगा। वैष्णव अपराध से कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल से मुक्त होता है। इसलिए वैष्णव अपराध से बचे आप, पाप में और अपराध में अंतर होता है ना। इसीलिए जितनी भी त्वदीय चीजें हैं कृष्ण और उनसे रिलेटेड, उनको भगवान के समान ही आदर देना है, उनमें दोष दृष्टि नहीं रखनी है। अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो उसे समझने के लिए हमें किसी और से पूछना चाहिए, बात करनी चाहिए, नहीं समझ में आ रहा उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। क्योंकि वैष्णव जो होते हैं, इवन हम लोग अपने भी समाज में वैष्णव बनने का जो प्रयास भी कर रहे हैं, तो वो लोगों का भी पास्ट है, उन लोगों का भी अपना अपना रस है, अपने अपने रीजंस है भगवान की भक्ति करने के लिए, तो हम उनके बारे में नहीं जानते, इसलिए निंदा नहीं करते
कि ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है या ये नियम ऐसे नहीं पालन कर रहा है तो ये वैष्णव नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो वैष्णव को पारखी लोग देख सकते हैं कि ये वैष्णव है या नहीं है ना। हम लोग तो अभी साधना के स्तर पर है तो हम लोग को इतना अधिकार नहीं है, तो सबसे ज्यादा ये देखना चाहिए कि अगर हमने शरीर प्राप्त किया है तो हम कल्प्रिट हैं। अगर हमने ये मनुष्य देह प्राप्त किया है या ये जगत में शरीर प्राप्त किया है अपनी इच्छाओं के कारण भगवान को छोड़कर, तो हम क्या हैं? दोषी। हम दोषी हैं कि भगवान को छोड़ के यहाँ आए, तो दूसरों में क्या दोष दर्शन करेंगे। पहले अपना दोष हमें निकालना है, हमारे अंदर जो अहंकार है, हमारे अंदर जो द्वेष है, हमारे अंदर जो क्रोध है, हमारे अंदर जो काम है ना, इनको हम कैसे निकालें और कृष्ण प्रेम कैसे विकसित करें, भक्तों के प्रति कैसे प्रेम आए, ये सब कैसे होता है? अच्छे साधु संग से, अच्छे लोगों से बार बार श्रवण करने से, बार बार सुनने से, उनका व्यवहार देखने से, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से, उनके साथ रहने से हमारा जो ये जो मल है, कलमश है, ये धीरे धीरे निकल जाता है। तो राजा कुलशेखर भी हमें यही सलाह देते हैं कि उनका दृढ़ विश्वास है कि हमें जो है वो शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप हमें इस भवसागर से निकाल दीजिए। और हमें एक श्लोक जो है बहुत बहुत बार प्रभुपाद कोट करते हैं और ये श्लोक 33 नंबर श्लोक है, ये आप लोग लर्न करिएगा। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंगजान्त्रम् अद्वे मे विशदु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कपवात पित्ते कंठ अवरोधन कुरु कंठ अवरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। कितना प्रीति का लक्षण है कि भगवान को स्मरण करना कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रीति के कारण कोई व्यक्ति कह रहा है कि जब मेरा कंठ अवरोध हो जाएगा या मृत्यु के समय पता नहीं क्या स्थिति रहेगी तो मैं आपका नाम ले पाऊंगा कि नहीं, इस समय ले रहा हूं, इसी समय बुला ले। ये प्रेमी है, ये कोई प्रेमी ऐसा कह सकता है ना। तो राजा कुलशेखर वैष्णव है, परम वैष्णव है, इसलिए वो ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं और हमें भी सजेस्ट करते हैं कि हम इस तरह से अपना जीवन जिए। तो आज का जो वैष्णव भजन है और ये है, ये दोनों हमें यही शिक्षा देता है कि हमें अपने मन से भगवान की सेवा में शरणागत हो जाना चाहिए, बुद्धि को कृष्ण भावना भावित बनाना चाहिए, इस प्रयास में लगे रहना चाहिए। तो क्या होगा, हम धीरे धीरे क्या होंगे, कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे और अपने घर वापस चले जाएंगे जहाँ श्रीमती राधा रानी हमारा इंतजार कर रही है, जहाँ कृष्ण हमारी अपनी सेवा के लिए बैठे हैं। कहाँ है मेरी ये सेवा, कहाँ है ये कर रही थी, कहाँ चली गई है ना। तो और दूसरी चीज ये भी है कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सेवा करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन हम अब जो आध्यात्मिक जगत में कोई बहुत बड़ी सेवा नहीं करते। ललिता सखी सेवा केवल पान सेवा करती है, भगवान को पान बनाना, उनको एक पान का पत्ता ऑफर करती है, तो बहुत बड़ी सेवा नहीं करते। तो ऐसे ही बाकी लोग भी बहुत छोटी छोटी सेवा करते हैं, लेकिन वो किस तरह से वो सेवा करती हैं? एक भगवान को पानी देना, भगवान को पंखा झेलना, हाँ भगवान को कुछ बना के बोलना, कोई भगवान को गीत गाता है, कोई भगवान के जाने वाले रस्तों में से कंकड़ पत्थर हटाता है, पता नहीं क्या सेवा है, टिफिन ले जाना, आवाज लगाना, भगवान के हंसने पर हंसना मधुमंगल केवल भगवान को हंसने पर हंसाते थे, उनकी यही सेवा है, वो ऐसी एक्टिविटी करते थे कि भगवान को हंसते थे। तो हमारी जो सेवाएं हैं वो पड़ी हुई हैं और श्रीमती राधा रानी हमारा इंतजार कर रही हैं और हम यहाँ निकृष्ट चीजों में लगे हुए हैं। तो हमें प्रयत्न करना है कि शिल प्रभुपाद का मूवमेंट मिला है, महाराज का संग मिला है, लोकनाथ महाराज का, अभी हम लोगों को अपनी अच्छे से दृढ़ भक्ति करनी है, अच्छे से अपना चैंटिंग करनी है और क्या करना है। इसलिए ये नहीं कि हम बहुत चैंटिंग करेंगे तभी होगा, नहीं, हम अपना मन भगवान में लगाए रखें, प्रार्थना करते रहे, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
रूप गोस्वामी ने ये नहीं कहा कि हाँ आप 165 राउंड करेंगे या 192 राउंड करेंगे तो आप, उन्हें बताया है कि कृष्ण भावना मृत जो है वो मनोवृत्ति एटीट्यूड का विषय है। हम कोई काम करते कैसे हैं ये इंपॉर्टेंट है। भगवान भाव ग्राही जनार्दन, आप दिखाते बहुत हम्बल हैं लेकिन अंदर से द्वेष रखते हैं, अंदर से दोष दृष्टि रखते हैं, अंदर से स्पर्धा रखते हैं, है ना। तो भगवान उन चीजों को कहाँ एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आप, हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा न करने आता हो लेकिन आपके हृदय में सम दृष्टि है, आपके हृदय में भगवान को प्रसन्न करने की अनुकूल भाव से करने की दृष्टि है, तो भगवान उन त्रुटियों को नहीं देखते, आपकी सेवा स्वीकार करते। इन सब बातों को ध्यान रखना होगा, हमें सीखना होगा एटीट्यूड। हम सुन रहे हैं तो कौन से एटीट्यूड में सुन रहे हैं, क्या मनोवृत्ति है। हम पढ़ रहे हैं तुम कौन से एटीट्यूड में पढ़ रहे हैं। हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, हम क्या एटीट्यूड कर रहे हैं। हम कोई सेवा कर रहे हैं तो हमारा एटीट्यूड क्या है। तो अगर डिग्री कम भी है तो उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए कि अनुकूल डिग्री बने भगवान के, न कि मेरे अनुसार, मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए मैं कर रहा हूं। और हम ज्यादातर एक्टिविटी अपने अनुकूल और अपने परिवार के अनुकूल करते हैं। भगवान को भोग लगाते हैं क्या, जो हमारे लड़के को बहुत पसंद है। भगवान को पसंद है वो भोग नहीं लगा। मेरे यहाँ जब से हम इस घर में आए हैं मक्खन लगना बहुत कम है, मक्खन बहुत कम लगता है क्योंकि वो इतनी मलाई होती नहीं है और बन नहीं रहा है। मैं भगवान से कह रही, जो चीज आपको पसंद है वो तो हम भोग लगाते ही नहीं। आप क्या खाएंगे, आप तो हम बनाते क्या है, जो हमें पसंद है। पता नहीं कब वो एटीट्यूड डेवलप होगा। प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर ऐसे भक्तों का संग हो, लोग इन सब चीजों की तरफ आगे बढ़ सके। तो बहुत दोष है, हम लोग अपने टेस्ट के हिसाब से बनाते हैं, टेस्ट के हिसाब से। आज हमें ये पसंद है, आज हमें ऐसा लग, हमें 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 अगर खट्टा अच्छा लगता तो हम ठाकुर जी को खट्टा खिलाते हैं। हम कभी शास्त्र नहीं पढ़ते कि ठाकुर जी को क्या पसंद है। जैसे आप अगर यूट्यूब में जाइए तो जगन्नाथ टेम्पल का बताया कि कैसे रसोई में क्या क्या प्रसाद बनता है और क्या क्या नहीं डालते। भगवान के प्रसाद में लाल मिर्च का तो उपयोग ही नहीं होता है, और भगवान की हर चीज हल्की मीठी होती है, लेकिन हम लोग मीठा दाल खाएंगे। इसलिए कभी नहीं बनाते। तो हम लोग ने कभी सीखा नहीं कि हमारे जो डीटीज हैं उनके हिसाब से, जगन्नाथ जी हैं तो जगन्नाथ जी कैसा खाना पसंद करते हैं और क्या स्पेशल खाना पसंद करते हैं, यू नो, है ना। गोविंद जी है, लड्डू गोपाल है, तो वो स्पेशल क्या खाते हैं शास्त्र में, है ना, या स्पेशल उनको क्या चीजें पसंद है। तो से हमारे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान को आरती करना, भगवान के सामने गीत गाना, वैष्णव गीत गाना, है ना, भगवान को भगवत गीता पढ़ना, भक्तों को बुलाकर प्रसाद करना, कीर्तन करना, ना जो व्यवहार है उसमें 26 वैष्णव गुणों को विकसित करना भगवान को बहुत पसंद। तो ये सब हमें करना है। राजा कुशेखर की अगर आप श्लोकास देखिए तो यही सब बोला है ना, जिनका वजन ऐसा होगा वही इस तरह के प्रार्थनाएं गाएंगे। तो राजा मुकुंदमाला श्रोत का जो सफर रहा ये बहुत ही सुंदर है। आप सब इन श्लोकों को पढ़िए, याद कीजिए। पहला श्लोक बहुत सुंदर है ना, किसी को याद है पहला श्लोक? श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भव लुंठन को विदेति नाथेति नाग शयनेति जगन्निवासेति आलापिनम प्रतिदिनम कुरु मां मुकुंदः। आप लोग ने याद किया था तो बार बार याद करिएगा और भगवान के समक्ष जाइए राधा गोविंद के, तो इन श्लोकों को सुनाइए भगवान, ठीक है।